अब चलते हैं 11वें भाव पर। 11वां भाव ये लालच का प्रतीक है। यहां कुंभ राशि फॉल करती है और ये शनि और बृहस्पति का घर है। यहां शनि की अदालत है, यहां पर बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह दोनों मिलकर के फैसला करते हैं। बृहस्पति हमारे न्याय तंत्र में रूल्स जो लिखने का काम होता है वो बृहस्पति करते हैं, जुपिटर करते हैं, कि क्या क्या रूल होने चाहिए, नैतिकता के क्या नियम होने चाहिए, समाज को चलाने का क्या नियम होना चाहिए, उस सभी का कार्य करने का तरीका क्या है, बृहस्पति लिखते हैं ये सब। और शनि न्याय मंत्री है, न्यायाधीश है, वो लिखते हैं आपको। पर 11वां भाव जो है ये इंसान के लालच को दिखाता है, ये इंसान की इच्छाओं को दिखाता है, ये एक्सपेक्टेड गेन को दिखाता है। एक्सपेक्टेड गेन का मतलब ये होता है कि आप दिमाग में सोच लेते हैं मैं ये काम करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। हर इंसान कोई भी कर्म करता है तो उसके प्रति, कर्म के प्रति इच्छा होती है कि मुझे इसका ये परिणाम मिले, मुझे इसका ये लाभ मिले। इसलिए वैदिक ज्योतिष में इसे लाभ स्थान भी कहा गया है। ये देखा जाए तो हमारे स्वार्थ का भाव है। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, स्वयं का एक, यानी अपने से ही मतलब, अपने को दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, अपने ही फायदे के बारे में जो व्यक्ति सोचता है उसे ही स्वार्थी कहते हैं। तो ये दूसरों की परवाह किए बगैर स्वयं को, खुद को स्वार्थी बनाने का काम करता है, लालची बनाने का काम करता है, इसीलिए ये पाप भाव की श्रेणी में आ जाता है। जब इसको अच्छा नहीं माना गया। 11वां भाव किस्मत की ऊंचाई है। किस्मत आपने 9वें से देखी थी, कर्म करने का तरीका 10वें से देखा, अब किस्मत की ऊंचाई 11वें से देखोगे। जैसे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को पाओगे जो कम मेहनत करते हैं पर उनको लाभ कई कई गुना हो जाता है, कम मेहनत करके भी लाभ कई गुना हो जाता है। कई हमारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, वहां पर ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, उनको बड़ा लाभ मिलता है, एक साइन मारते ही लाओ भाई। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर बहुत पैसा बनता है, कम मेहनत करके भी मल्टीप्लाई कर देते हैं वो पैसे को। तो ये किस्मत की ऊंचाई है। अगर हम वास्तु शास्त्र में देखें तो 11वां भाव पश्चिम की दीवार है, यहाँ दीवारों से भी संबंध है। जैसे पहला भाव पूर्व था तो पांचवा भाव पूर्व की दीवार था, जैसे तीसरा भाव दक्षिण था तो आठवां भाव दक्षिण की दीवार था, दसम भाव पश्चिम है तो 11वां भाव पश्चिम की दीवार है। जो बाहर से खड़ा होकर के आप देखते हैं किसी घर को, उसका आउटर डिजाइन कैसा है, आउटर सौंदर्य कैसा है, बाहरी सौंदर्य मकान का कैसा है, उसे देख करके आप क्या पता लगाते हो। एक ही बात, ये घर अमीर आदमी का है कि गरीब आदमी का है, पता चल जाता है कि नहीं। जैसे ही आप किसी के बाहर खड़े होते हो, हैं अब मेरे घर के बाहर खड़े होगे तो आपको पता चलेगा ये बेचारे एक गरीब ब्राह्मण का घर है, तो किसी रईस के यहाँ खड़े होगे तो अरे करोड़पति आदमी, तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो घर के बाहर खड़े होकर के बाहरी सौंदर्य से, उसकी मजबूती से आप पता लगाते हो कि मकान वाले की हैसियत क्या है। ये 11वां भाव दिखाएगा। 11वां जितना मजबूत होगा वो किस्मत की ऊंचाई का प्रतीक है।
और उसका घर भी एकदम फर्स्ट क्लास डिजाइनर कार मिलेगा आपको, जितना ज्यादा ठीक होगा। इसका संबंध छायादार वृक्षों से होता है, छाया देने वाले बहुत ज्यादा विशाल छाया, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, विशालकाय वृक्ष। एक-एक पेड़ पे हजारों पक्षी रात को बसेरा कर लेते हैं, बहुत सारे जानवरों का आराम करने का स्थान। तो 11वां जो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, लाल किताब में पीपल और बरगद के कई उपाय आएंगे, तो जब भी पीपल और बरगद का उपाय आए तो 11वां भाव ध्यान में रखना। कोई व्यक्ति को फायदा नहीं हो रहा हो, लाभ नहीं हो रहा हो, मन चाया दिक्कतें आ रही हो, एक्सपेक्टेड गेन नहीं हो रहा हो, है तो गो टू पीपल पेड़। पीपल देवता को प्रणाम करो, पीपल देवता को कहो, हे पीपल देवता, आप में ब्रह्मा जी का वास है, विष्णु जी का वास है, भगवान शिव का वास है, त्रिदेवों का वास है आप में, और पितरों का वास भी वहीं पर है, बृहस्पति का आशीर्वाद है। पीपल को छू करके, प्रणाम करके आशीर्वाद लें, पीपल की परिक्रमा करें, पीपल को सींचे, पीपल पे जल दूध काले तिल अर्पित करें। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसे काम में प्रयोग हैं। काम में प्रयोग का मतलब होता है कामना पूर्ति वाले प्रयोग, जो पीपल से बरगद से होते हैं। पीपल का संबंध बृहस्पति से है। अगर जिन महिलाओं के संतान ना हो रही हो, तो विशेष दिन में अगर वो पीपल की परिक्रमा विधि विधान से पूरी करती रहती हैं शुभ तिथियों पर, तो संतान योग बनते हैं। बरगद का जो कनेक्शन है वो चंद्र ग्रह से है। पर कुल मिलाकर के आपकी कोई मनोकामना है, उसके लिए आप इन पौधों को के उपाय कर सकते हो। दो मुआ सो सांप होता है, टू साइडेड डबल एंडेड, मतलब दो तरफ मुंह होता है, दो मुंह ही बोल देते हैं अपने। इसका संबंध भी 11वें भाव से है। बना बनाया मकान 11वें भाव से संबंधित होता है। ये 11वें भाव के कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। ये याद रखना, ज्योतिष के अंदर जो हम पेड़ पौधे बताते हैं, उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही ठीक करने के लिए काम आते हैं। और कुछ पौधे हम कहते हैं कि अच्छे नहीं होते तो वहां मत लगाओ। पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना है, जो ताकतवर बहुत होता है ये, इसकी जड़ें आपके घर को खराब कर सकती हैं, और फिर इतने जानवर रात को रुकते हैं तो वो भी डिस्टरबेंस होती है, तो इसको अच्छा नहीं माना। जब कुछ लोग ये कह देते हैं कि भूत प्रेत का साया रहता है, भाई यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं पीपल में, तो उस चक्कर में भी लोग नहीं करते। पर मुझे जहां तक लगता है, इसके लिए इसलिए मना किया गया है कि ये इतना विशालकाय होता है कि इसकी जड़ें हमारे घर को खराब कर देती हैं। तो जिनका घर बहुत बड़ा है, एकड़ों में जिनका घर है, वो तो बेशक लगा लो पीपल का पेड़, उनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं मानता कि ये भूत प्रेत का वास हो जाता है पीपल के पेड़ में। पीपल का पेड़ किस स्थान पर लगा है और उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप केवल मात्र ये मान लें कि भाई ये कैसे भूत प्रेत के रहने का घर है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पितरों के लिए जरूर, पितरों का वास जरूर पीपल के पेड़ में माना जाता है, और सनातन धर्म में जो 16वां संस्कार है, जिसे अंतिम क्रिया कहते हैं, संस्कार कहते हैं, दाह संस्कार, उसमें पीपल की लकड़ियों का उपयोग होता है, जिसे शुभ माना जाता है। बृहस्पति का वो माना जाता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है।